बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का आज पंजाब दौरा, कहां कहां करेंगे जनसभाएं, सीएम योगी किन जगहों पर करेंगे प्रचार, एसपी अध्यक्ष आज एटा और कासगंज का दौरा करेंगे और केजरीवाल आज कहां निकालेंगे रोड शो। चुनावी राज्यों में आज होने वाले प्रचार से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप नाइन रैली रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार अभियान के तहत पंजाब का दौरा करेंगे। शाह यहां लुधियाना में किसान सम्मेलन करेंगे। किसान संगठन इसका विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री आज लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ आज एटा, फरुखाबाद और औरैया का दौरा करेंगे। सीएम योगी आज एटा के जलेसर, फरुखाबाद के अमृतपुर, कमालगंज, औरैया की विधुना और औरैया सदर विधानसभा सीट के लिए जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और बाराबंकी का दौरा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष लखीमपुर खीरी में दो और बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। लखीमपुर खीरी में 23 फरवरी को वोटिंग होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का दौरा करेंगे। राजनाथ रामनगर और हैदरगढ़ विधानसभा के लिए जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। रक्षा मंत्री जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने हैदरगढ़ से विधायक पद के लिए चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज हाथरस, एटा और कासगंज के दौरे पर रहेंगे। अखिलेश तीनों जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनमें जोश भरेंगे। इसके अलावा अखिलेश फिरोजाबाद की सिरसागंज विधानसभा में रामलीला ग्राउंड में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और अपने गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। भोगांव विधानसभा में ओवैसी के साथ यहां जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और दलित नेता मेशराम जाटव भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आज पंजाब के दौरे पर हैं। प्रियंका भटिंडा, फरीदकोट के कोट कपूरा और संगरूर के धूरी में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। धूरी में प्रियंका महिलाओं को संबोधित करेंगी। इसके अलावा डेराबस्सी में रोड शो करेंगी और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगी। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं। केजरीवाल आज अमृतसर में एक रोड शो निकालेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर शनिवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक पदयात्रा पर लगी रोक हटा ली गई है। प्रचार के समय को भी 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार मौजूदा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा खुले में 50% क्षमता के साथ रैली की इजाजत दी गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।